दो क्वेश्चन है वो है कि द चेन रजिस्टर एंड इट्स रिक्वायरमेंट. चेन रजिस्टर एंड इट्स रिक्वायरमेंट इज एज पर द आईएलओ 152 और डॉक लेबर एक्ट में भी लिखे हुए हैं. आई विल शो यू जस्ट राइट नाउ. तो इसमें जो है ये पार्ट है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड ऑल दिस. तो दिस ऑल एवरी वन कैन, वी ऑल कैन गेट इट फ्रॉम हियर. यहाँ से लेकर के वी कैन रट्टा फॉर दिस वन. और इसमें रिक्वायरमेंट का जो है वो ये दिखा देता हूँ कि लेट्स सी दिस वन. यस, तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का है. और यहाँ पे जो लिखा है, इट इज़ रिटन की मॉडल फॉर्म एंड द सर्टिफिकेट्स एज रिक्वायर्ड बाय द आर्टिकल 25(2) ऑफ द आईएलओ कन्वेंशन कंसर्निंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इन द डॉक वर्क नंबर 152 1979. तो ये लिख के रखा है. और इसके अंडर में जो वो चेन रजिस्टर की रिक्वायरमेंट जो है वो लिखी हुई कि उसमें इनिशियल सर्टिफिकेट, कॉम्पिटेंट पर्सन क्या है, द टेस्ट एग्जामिनेशन आर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएलओ 152 एंड ऑल दिस. तो इसमें कॉम्पिटेंट इनिशियल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन क्या है, देन कॉम्पिटेंट पर्सन शैल सुपरवाइज एंड विटनेस टेस्टिंग. तो ये सब इसमें लिखा हुआ है. पीरियोडिक टेस्टिंग क्या है 12 मंथ्स का, रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड ऑल दिस. ठीक, इसमें ये लिखा गया सर्टिफिकेट ये वाले. तो डोंट, दिस इज नॉट द सेम, दिस इज नॉट द सेम व्हाट वी हैव. तो डोंट रट ऑफ फ्रॉम हियर. सो वी हैव टू लुक एट हियर, दिस थिंग वी हैव टू गो थ्रू, दिस थिंग वी विल गो थ्रू, नॉट दिस वन, नॉट द अदर वन विच वॉज इन द, नॉट दिस वन. वी विल नॉट गो टू दिस. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, थर एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, लिफ्टिंग अप्लायंसेस. तो इन सब पे भी है. और थरो एग्जामिनेशन, इन लोगों का फॉर्मेट क्या है, 12 मंथली, 5 ईयरली, किस ऑन द बेसिस ऑफ विच वन, ये सारा का सारा इसमें दिया हुआ है. आई विल पुट दिस ऑल्सो. तो यहाँ पे सिर्फ अगेन लो 20 टर्न्स, 20 to 50 टर्न्स, ओवर 50 टर्न्स एंड ऑल दिस. और यहाँ पे फॉर्मेट ऑर्मेट दिए हुए हैं सो दैट एवरी वन कैन गो थ्रू दैट. सो यहाँ पे सेफ वर्किंग लोड फॉर द वायर्स कितना होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट ऑल दिस. यहाँ पे लूज गियर्स के दिए हुए हैं. सो ऑल दीज, ओके. नाउ लेबर दैट आवर लिफ्टिंग अप्लायंस, डॉक लेबर सेफ्टी रेगुलेशन 1990. इसमें ये रहा रेगुलेशन नंबर, ये 14 है रेगुलेशन यहाँ लिखा है. तो दिस रेगुलेशन नंबर 40, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंसेस. यहाँ से लेकर के 40 ड्रम्स, ब्रेक्स, इसमें सब कुछ, टेस्टिंग एंड पीरियडिक एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंसेस, 42 ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर्स, रिगिंग ऑफ शिप्स डायरेक, सिक्योरिटी ऑफ डायरेक फूड वेंचर्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लूज गियर्स, रोप्स, then heat treatment of loose gears, certificate and testing, certificate to be issued after the actual testing and examination, registration of the periodic test and examination and the certification. तो इसमें ये वाले जो sections है 41, 47, 49 shall be entitled. तो उसमें जो है वो this one also, it's including here, it is in regulation 47, here you can see. This is 47, here it is 49, here 47, it is all been written over here. So it is not like that it is been not written. So this is the same thing, it is written here also. Certificate shall be obtained from the competent person and attached to the register form 2 in with respect to in the form at initial and periodic examination under regulation 41 and 47, form 3, form 4, then form 5, form 6, form 7, form 8, yehi to hai ye. फॉर्म नंबर 2 से लेके, तो 2 में वो जो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, आगे 3, 4, 5, 6, 7 लिखा ही हुआ है. तो इसमें 51 में लिखा हुआ है. तो डायरेक्ट अगर 51, तो असल में यहाँ पे जो 40 से लेकर के पूरे स्टार्ट हो रहे हैं, और ये 52 मार्किंग ऑन सेफ
markings on the safe working load kahan hai, then loading of the lifting appliances and loose gears, pulley blocks, cure and magnetic lifting devices and not of the knotting of the chains and the wire ropes. So yes, sab to 40 to 56, it is clearly over here. Aur wo kaun sa hai? Part 3 is safety, lifting appliances and gear. Simple. तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल वन है ये वाला. हो गया. थैंक यू.